पाकिस्तान फ्रेंड्स, आपके लिए मैं एक न्यू जॉब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हुई है। तो आपको सामने सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में स्टेनोटाइपिस की पोस्ट हैं जो कि BS 14 में है। इसमें 16 टोटल पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 16 है। और क्वालिफिकेशन इनके लिए स्टेनोटाइपर्स के लिए इन्होंने मांगी है जो कि इंटरमीडिएट होनी चाहिए और प्लस आपके साथ 80/40 आपके वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में और टाइपिंग की, और प्लस आपके साथ साथ कंप्यूटर आप जानते हो, उनको प्रेफरेंस दी जाए कि जो कंप्यूटर जानते हैं। एज लिमिट इनके लिए इन्होंने 18 to 30 ये रखी है। और इसमें डोमिसाइल है जो कर लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनका डोमिसाइल पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है वो अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल बोथ, एंड सिंध रूरल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ KPK के वो अप्लाई कर सकते हैं, बलूचिस्तान के एक्सपर्ट एंड डिसेबल कोटा जवान। तो ये डिफरेंट पोस्ट हैं, टोटल 16 हैं, जिनमें से 5 जो है पंजाब की हैं, 5-1 जो है वो पंजाब वुमेन्स की हैं, एंड 1 मिनोरिटीज़ की है जो पंजाब में हैं, 1 सिंध रूलर से हैं मेरिट पे, और KPK के 3 हैं, बलूचिस्तान की 3, इस तरह एक्सपर्टा की 1 है और डिसेबल पर्सन की 1 पोस्ट है। नेक्स्ट आपको बताऊँ, नेचर ऑफ जॉब है रिसर्च असिस्टेंट जो कि BS 11 में लाया करता है, और इसके लिए 1 पोस्ट है। और इसमें आप एलिजिबल जो इन्होंने रखी है क्राइटेरिया रखा है क्वालिफिकेशन है इनके लिए, सेकंड क्लास आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, स्टेट्स में या फिर मैथमेटिक्स में, और प्लस इसके साथ साथ आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, आप पश्तो और बलोची लैंग्वेज है दोनों को, आपको पढ़ने भी आए और आप लिखना भी जानते हैं। और रिसर्च असिस्टेंट की जॉब है जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, एज लिमिट इसके लिए 18 to 30 ईयर है, और ये मेरिट पे है, 1 पोस्ट है इसके लिए। और नेक्स्ट आपको बताऊँ, सीरियल नंबर 3 में नेचर ऑफ जॉब है डाटा एंट्री ऑपरेटर, और इसमें BS 14 है, 1 इसके लिए टोटल जॉब 1 है, इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है सेकंड क्लास आपका सी ग्रेड, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, स्टेट्स में, इकोनॉमिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में, और प्लस इसके साथ साथ शुड क्वालिफाई करें डेटा एंट्री टेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 10,000 की डिप्रेस पर हॉर, 1 घंटे में आपको 10,000 की डिप्रेस करनी है। डेटा एंट्री का टाइपिंग टेस्ट जो होता है उसको आप क्वालिफाई करें, प्लस आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स लाइक HTML, जावा, C++ उनको आप जानते हो, और इसी के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, डाटा प्रोसेसिंग, इंटरनेट में, लॉन वन, वेब डिज़ाइनिंग, वेब प्रोसेसिंग उनको प्रेफरेंस देंगे ये। और इसी के साथ इसमें एज लिमिट डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 पोस्ट है, और इसमें एज लिमिट 18 to 30 ईयर रखी है, पंजाब जस्ट पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, अदर देन पंजाब प्रोविंस कोई अप्लाई नहीं कर सकता, 1 पोस्ट इसके लिए है। नेक्स्ट सीरियल नंबर 4 में आपको बताऊँ, अपर डिवीजन के लिए क्लर्क हैं जो कि BS 11 में लाए करते हैं, और नंबर ऑफ पोस्ट इसके लिए 5 हैं, इसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है इंटरमीडिएट, एज लिमिट इनके लिए इन्होंने रखी है 18 to 30 ईयर, और इसमें पंजाब मेरिट पे 1 है एंड सिंध पे 1 है, सिंध अर्बन के रूरल का 1 है और अर्बन का 1 है, KPK के 1 है, बलूचिस्तान मेरिट के 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसकी 5 है। सो इसमें पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, इनमें से अगर किसी का डोमिसल किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है रिक्वायर्ड, ये जो आपके सामने प्रोविंस हैं इनमें से अगर किसी का डोमिसाइल है तो वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आपको बताऊँ, सीरियल नंबर 5 में लोअर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क जो कि BS 9 में लाए करते हैं, इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज उनकी 7 हैं, एंड इनमें क्वालिफिकेशन इनको रिक्वायर्ड है मैट्रिक, प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, और इसमें एज लिमिट इन्होंने रखी है 18 to 30 ईयर, एंड इसमें जो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं उसमें पंजाब प्रोविंस की में से मेरिट पे जो हैं वो 2 हैं,
टू नंबर ऑफ पोस्ट हैं एंड वन नंबर ऑफ पोस्ट फॉर वुमेन के लिए सिंध रूलर से आपके पास वन है, अर्बन के से वन है, बलूचिस्तान से आपका वन है, बलूचिस्तान सिंध रूलर सिंध अर्बन पंजाब वुमेन का अलहदा कोटा है और पंजाब मेरठ से टू वैकेंसीज हैं और एक्स फाटा की वन है, तो नंबर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी सेवन है लोअर डिवीजन क्लर्क बी एस नाइन के लिए। सो आपको बताया चलूँ कि इसमें आप अगर एलिजिबल हैं और आप इसमें अप्लाई करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना है और कौन सी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है अप्लाई करने से पहले। सो गाइज आपको बता चलूँ कि सबसे पहले कि ये उन्हीं लोगों को कॉल करेंगे जो कि जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे अकॉर्डिंग और पूरे डिज़ायर जो फील्ड होगी उसके लिए कंप्लीट होंगे। और इसमें ये एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं फाइव ईयर एज पर गवर्नमेंट रूल 5 ईयर आपको एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं। और इसमें आपने एक अप्लीकेशन फॉर्म है जो कि इनकी वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग .gov.bk। तो इसमें से यहाँ पे इनका जॉब्स में आ जाते हैं, जॉब्स एंड कैरियर में इनका अप्लीकेशन फॉर्म है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर दीजिएगा और उस फॉर्म के साथ आपने अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप NOC लेके अप्लाई करेंगे और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अटेस्ट होने चाहिए और इसके एप्लीकेशन के साथ साथ आपने अपनी CNIC की कॉपी और 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी, ये आपने इसके साथ अटैच करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आपने इस एड्रेस पे द सेक्शन ऑफिसर EIMO इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रूम नंबर 4153, फोर्थ फ्लोर, कैबिनेट ब्लॉक, इस्लामाबाद में विद इन 15 डेज अप्लाई करना है। तो इसकी लास्ट डेट गाइस बनती है 20th of August 2020। सो इससे पहले पहले इसमें अप्लाई करें। इसके मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो अगर आपका कोई रिलेटेड है जितने भी इंफॉर्मेशन वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका फॉर्म भी लिंक दे दूंगा और इनकी वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा। तो गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लेटेस्ट जॉब इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको मिलती रहे किसी भी जॉब की। और गाइस अगर आपका कोई वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपको मैं रिप्लाई कर सकूं। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू गाइस।